तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि भारत को वीटो पावर मिलने वाली है और भारत जल्द ही यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने वाला है। लेकिन इन सब की बात चल ही रही थी कि इसी बीच भारत और इसराइल ने मिलकर यूनाइटेड नेशन के साथ ही बहुत बड़ा खेल कर दिया। और भारत को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि देखा जाए तो फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस के साथ साथ अन्य सभी देशों का समर्थन मिलने के बावजूद भी अभी तक भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशन को ही तगड़ी फटकार लगा दिया है और घुमा फिराकर यह बात कह दिया है कि भाड़ में जाए तुम्हारा यूनाइटेड नेशन, क्योंकि इतने सारे देश का समर्थन होने के बावजूद भी यूनाइटेड नेशन ना तो भारत की अहमियत समझ रहा है और ना ही दुनिया भर में चल रहे युद्ध को शांत करा पा रहा है। बल्कि देखा जाए तो जिन देशों के पास वीटो पावर है, यह देश खुद उल्टा युद्ध में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व्ड है और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए इसराइल ने तो यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया है और उन्हें अपने देश में प्रवेश करने से रोक दिया है। और अगर इसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन के चीफ इसराइल में पाए जाते हैं तो उन्हें जेल में बंद किया जा सकता है। भारत और यूनाइटेड नेशन से जुड़ी यह खबरें थोड़ा जटिल जरूर है, लेकिन इन सबको हम एकदम आसान शब्दों में समझने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल पूरा देश चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी सदस्यता मिले और भारत के पास भी वह ताकत होनी चाहिए जो कि चीन के पास है, यानी कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जिस पर बाकी के अन्य पांचों देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। और देखा जाए तो चीन के पास वीटो पावर होने और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर होने के कारण इन्होंने पिछले कुछ सालों में खूब फायदा उठाया है, क्योंकि कई बार देखा गया कि जिस मामले में भारत के फायदे की बात होती है, यहां तक कि जहां पर दूसरे देशों में भारत का एक्सपोर्ट और वैश्विक व्यापार बढ़ने की बात आती है, उन प्रस्ताव को किसी न किसी बहाने से चीन वीटो पावर का इस्तेमाल करके रिजेक्ट कर देता है और दूसरी तरफ उन प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं जहां पर चीन का खुद फायदा होता है। फिर चाहे उससे दुनिया का नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, बस केवल इन्हें अपना फायदा दिखाई देता है। और भारत इसी स्थायी सदस्यता और ताकत को लेकर हमेशा विरोध करता आया है। और भारत का कहना है कि केवल पांच देशों के पास ही वीटो जैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होना कहीं ना कहीं भारत और बाकी के अन्य उन देशों के साथ अन्याय है जो लगातार अपने देश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। और वह किसी भी मामले में बाकी पांचों देश से पीछे नहीं है, क्योंकि यह बात दुनिया जानती है कि इस समय भारत मिलिट्री पावर के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है और अर्थव्यवस्था के मामले में पांचवा सबसे बड़ा देश है। लेकिन इसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन बने हुए हैं और उनके पास वीटो पावर है। लेकिन भारत जो कि पांचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसका नाम पांचों देश की लिस्ट में कहीं भी नहीं है। और आपको बता दे कि पिछले एक दो सालों से नहीं बल्कि 10 सालों से भारत यह बात कहते आ रहा है कि यूनाइटेड नेशन में बदलाव होना चाहिए और पुराने नियमों को बदलकर समय के साथ यूनाइटेड नेशन में और भी देश को परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए और जो देश इसके लिए कैपेबल है उनको वीटो पावर भी देनी चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार अमेरिका में यूनाइटेड नेशन की जो बैठक हुई थी उसमें 193 देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे। और जो बात भारत पिछले 10 सालों से कहता आया है, इनमें से लगभग सभी देशों ने वही बात दोहराई। यहां तक कि चीन को भी यह बात कहना पड़ गया कि यूएन को साउथ एशिया की ताकत को समझकर स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिए। हालांकि चीन ने डायरेक्टली तो भारत का सपोर्ट नहीं किया, लेकिन साउथ एशिया का नाम लेकर अपनी बात को आगे बढ़ाया, जिससे कुछ ऐसा माहौल देखने को मिला कि मानो भारत के पक्ष में पूरी दुनिया टूट पड़ी हो। और बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान एस जयशंकर ने अपनी बात सामने रखी तो इस बात को दुनिया ने सुना और एस जयशंकर ने सीधे तौर पर यह कहा कि दुनिया के सभी देश चाहते हैं
कि यूएन में बदलाव होना चाहिए और उसमें भारत को जरूर शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन शायद इन सब के बावजूद भी यूनाइटेड नेशन की आंख नहीं खुली और उनके साथ जो होना बाकी रह गया था वही अब हो रहा है, क्योंकि इतने सारे देशों के समर्थन के बावजूद भी भारत को परमानेंट मेंबर बनाने और यूनाइटेड नेशन में बदलाव करने के लिए अभी तक कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया गया, जिसके कारण यूनाइटेड नेशन की भी मुसीबत बढ़ती हुई देखी जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो भारत यूनाइटेड नेशन पर भारी पड़ रहा है और दूसरी तरफ इसराइल भी यूनाइटेड नेशन के खिलाफ उतर गया है। और आज ही खबर निकल कर आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन को फटकार लगाते हुए एक पुरानी कंपनी बताया जो कि मार्केट और बदलते समय के साथ बदलना नहीं चाहती और अपने पुराने नियमों के साथ आगे बढ़ना चाहती है, जो कि पूरे तरीके से कबाड़ी हैं। और वैसे भी देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के जो स्थायी सदस्य देश है उनमें से कुछ देश पहले भी आग में घी डालने का काम करते थे और अब भी वही पुरानी रणनीति लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद आप इस दूसरी रिपोर्ट को देखिए जिसने यूनाइटेड नेशन का पर्दे के पीछे छिपा काला चेहरा दुनिया के सामने खोल दिया है, क्योंकि एस जयशंकर ने दुनिया से यह सवाल कर लिया है कि इस समय दो बहुत बड़े तनाव और युद्ध चल रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन कहां शांत बैठा है। यानी कि यूनाइटेड नेशन वही पुरानी कंपनी है जो कि युद्ध को शांत तो कर नहीं पा रही, बल्कि देखा जाए तो सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशन के उन परमानेंट मेंबर द्वारा युद्ध को बढ़ावा दिया जा रहा है जिनके पास वीटो पावर भी है। आपको बता दें कि केवल यूनाइटेड नेशन पर भारत ही भारी नहीं पड़ रहा है, बल्कि उससे ज्यादा अब इसराइल भारी पड़ रहा है, क्योंकि हाल ही में ईरान के द्वारा जो इसराइल पर भयानक अटैक हुआ है उसका आरोप इसराइल ने सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशन के चीफ पर लगाया है। इसराइल का कहना है कि यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है उन्होंने इसराइल में बलात्कारियों और हथियारों का समर्थन किया है, इसीलिए इसराइल ने यूनाइटेड नेशन के चीफ को पर्सोना नॉन ग्राटा की कैटेगरी में डाल दिया है, यानी कि यह किसी भी सूरत में इसराइल में प्रवेश नहीं कर सकते। फिलहाल इसराइल में यूनाइटेड नेशन के चीफ जाएं या ना जाए ये तो दूर की बात हो गई, लेकिन इस आरोप से यूनाइटेड नेशन पर जो धब्बा लगा है वह सदियों तक नहीं मिटने वाला। और इतना ही नहीं बल्कि फ्रांस, जो कि यूनाइटेड नेशन का परमानेंट सदस्य है, इसे भी ठीक आईना इसराइल ने दिखा ही दिया। दरअसल इस समय जो आपको इस मैप में सातों पॉइंट हाईलाइटेड दिखाई दे रहे हैं, इन सातों एरिया के आतंकी संगठन से इसराइल अपने हित के लिए लड़ रहा है। फिर भी हाल ही में फ्रांस ने इसराइल को हथियारों की सप्लाई बंद कर दिया, साथ ही फ्रांस ने और भी वेस्टर्न कंट्रीज से इसकी डिमांड कर रहा था, लेकिन इसराइल ने फ्रांस को उल्टा जवाब देते हुए सीधा कह दिया है कि हम यह लड़ाई अपने हित के लिए लड़ रहे हैं और हम आतंकवादी संगठनों को मिटा रहे हैं जो कि दुनिया के सभी देशों के लिए खतरनाक है। ऐसे में कोई देश हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन हम युद्ध को जीत कर ही रहेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि यूनाइटेड नेशन पर इतना जो आरोप लगाया जा रहा है इन सब से यूएन पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।